वेलकम स्टूडेंट इन माई चैनल दिस इज रविंद्र योगी हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं एस ए एस क्राइटेरियन जो कि थियोरम सिक्स पॉइंट फाइव है एस ए एस साइड एंगल साइड थियोरम हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो यह, यह जो थियोरम है सिक्स पॉइंट फाइव है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल दैन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ठीक है यह थ्योरम हमें प्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं दो ट्राइंगल लेते हैं एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं डी ई एफ ठीक है दो ट्राइंगल लिए सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और इसकी जो इंक्लूडिंग साइड है वो है ए बी एंड इसमें है डी ई e, और ये ए सी और दूसरे ट्राइंगल में है डी एफ ठीक है ये क्या है प्रोपोशनल्स हैं तो एंड ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ठीक है ये हमें दिया है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ सिमिलर होंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं डी ई पर एक पॉइंट लेते हैं पी डी ई पर एक पॉइंट पी लेते हैं सच दैट डी पी इक्वल टू ए बी हो जाए ठीक है तो डी ई e पर हमने एक पॉइंट लिया पी ये हमने पी पॉइंट लिया ठीक है इस तरह से है कि डी पी इक्वल टू ए बी और डी एफ पर हमने क्यू पॉइंट लिया कि डी क्यू इक्वल टू ए सी हो और पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया ठीक है तो पी क्यू को हमने जॉइन कर लिया तो अब क्या हो गया ये जो डी पी और ये ए बी इंक्लूडिंग साइड्स हो गई और ये ए सी और डी क्यू यहाँ पर इंक्लूडिंग साइड्स हैं तो ये हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ठीक है अब यहाँ हम ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं डी पी और ए सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डी क्यू ठीक है बाय कंस्ट्रक्शन ये हम इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ आ गया ठीक है अब हम इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का अब हम क्या कर देते हैं इन्वर्स कर देते हैं तो इसको इन्वर्स करेंगे तो डी ई e पर चला जाएगा और डी एफ ऊपर हो जाएगा तो डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू हो जाएगा ये इक्वेशन हम अब इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे बोथ साइड वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड वी गेट डी ई अपॉन डी पी माइनस वन इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस वन इधर डी पी एल्सीम आ जाएगा और ऊपर बनेगा हमारा डी ई e माइनस डी पी इक्वल टू इधर डी क्यू एल सी आएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू अब इसे आप फिगर में देखेंगे डी ई e में से अगर डी पी को माइनस करेंगे तो पी ई बचेगा सिमिलरली डी एफ में से डी क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्यू एफ बचेगा तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे डी ई माइनस डी पी की जगह क्या पुट करेंगे पी ई और डी एफ माइनस डी क्यू की जगह हम पुट करेंगे क्यू एफ ठीक है तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास बना पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू तो देखो स्टूडेंट्स अब इसमें इसको अगेन इन्वर्स करते हैं एक बार फिर से तो डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ ये हमारे पास इक्वेशन आई अब इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं तो ये जो डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ है ये तभी है जब हम कब हो सकता है ये डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पी अगर ऐसा है तो पी क्यू और ई एफ क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे ठीक है तो एज पर कन्वर्स ऑफ बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी क्यू लाइन पैरल हो जाएगी ई एफ के तो पी क्यू पैरल हो गई ई एफ के और ये दो पैरल लाइन्स हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ट्रांस जैसे पी क्यू और ई e एफ को ई एफ पी ई पी ई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जब ये लाइन इसको कट करती है तो ये एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएंगे कॉरस्पोंडिंग एंगल्स होने के कारण सिमिलरली एंगल Q सिमिलरली PQ और EF ट्रांसवर्सल लाइन क्यू एफ कट कर रही है तो एंगल क्यू और एंगल एफ भी इक्वल हो जाएंगे क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ठीक है ये पी एंगल इक्वल हो गया ई e एंगल के और क्यू एंगल इक्वल हो गया एफ एंगल के अब देखो हमारे पास जो अब हम ट्राइंगल में देखते हैं ए बी सी और डी पी क्यू में ठीक है ए बी इक्वल टू डी पी है बाय कंस्ट्रक्शन ये जो ए बी है डी पी के इक्वल है इसी तरह से ए सी जो साइड है डी क्यू साइड के इक्वल है ये हमें और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है तो ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंस हो गए तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल डी पी क्यू के बाय एस एस कॉन्क्रेंस रूल अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो सी पी सी टी से इनके जो कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे इक्वल तो एंगल बी इक्वल पी हो जाएगा बाय सी पी सी टी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा बाय सी पी सी टी अब किसी भी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो पी एंगल अब एक चीज और एंगल बी पी के इक्वल है और पी ई e के इक्वल है तो ये बी बी ई के इक्वल हो जाएगा इस इसी तरह से एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है ठीक है तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई इसे इक्वेशन वन एंगल सी एंगल इक्वल क्यू एंगल एफ इक्वेशन टू तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे ठीक है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में ए एंगल एंगल डी के इक्वल है बी एंगल एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है ये तीनों एंगल इक्वल हैं कॉरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। देअर फोर ट्रिप ए बी सी और डी एफ क्या हो जाएंगे ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएंगे हैंड्स प्रूफ नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में